आज करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि नथिंग फोन 2 का फुल रिव्यू आ चुका है एकदम टेक्नोवे स्टाइल में। अनबॉक्सिंग के वक्त गाइडलाइंस से हम ज्यादा बोल नहीं पाए, हमने समय लिया थोड़ा सा, हमने थोड़ा सबर किया, जल्दी जल्दी में हमने रिव्यू नहीं डाला, इसको डिटेल में टेस्ट किया। एकदम लेटेस्ट अपडेट भी आया है इसमें नथिंग ओएस 2.0.1, उसके बाद टेस्टिंग करी है और हम उसके बाद जो जो हुआ है वो सारी चीजें आपको बताएंगे और ऐसी भी चीजें बताएंगे जो शायद आपको और कहीं नहीं पता चली होगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही अतरंगी चीजें देखने मिल जाती है। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके सॉफ्टवेयर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस फोन का, कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत निकल कर आ रही है, वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे और जो जो हमने बग्स अभी भी नोटिस किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जब से हमने अनबॉक्स किया है तब से लेकर अब तक इसमें अब 3 अपडेट्स आए हैं। जो लास्ट अपडेट आया है इसमें नथिंग ओएस 2 से नथिंग ओएस 2.0.1 हो गया है और जो लास्ट पैच है वो June 1st सिक्योरिटी पैच यहाँ पर अपडेट हुआ है। अब ये जो अपडेट है लास्ट वाला, आप देखेंगे लंबी सी लिस्ट यहाँ पर है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ग्लिफ कंपोजर ऐड कर दिया है, डेडिकेटेड ऐप दे दिया है उन्होंने प्ले स्टोर में। उसी के अलावा कैमरे में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किया है, आप देख सकते हैं। साथ में और भी अलग इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बैटरी को, चार्जिंग को लेकर इस बग फिक्स किया है उन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुए। ये सारा अपडेट किया उसके बाद ही हमने जो वो टेस्ट किया था। अब यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर में अगर अच्छाइयों की यहाँ पर बात करें तो आपको बता देते हैं कि अभी लॉक स्क्रीन पर भी आप विजेट्स ऐड कर सकते हैं जो पहले आपको नहीं देखने को मिलता था। साथ ही साथ और भी ज़्यादा क्लीन और स्मूथ हो गया है, मल्टीटास्किंग जब हमने किया यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये फ़ोन चलता है। अभी तक हमने जितने बार भी यूज़ किया है सॉफ्टवेयर में ज़्यादा हमने कोई जिटर और लैग नहीं देखा है और कोई मेजर बग्स नहीं देखा है। अभी तक एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और वो 3 साल के ईयरली उस अपडेट्स, 4 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो उम्मीद है कि आपको उसमें एंड्रॉयड 17 तक यहाँ पर जो वो अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बग्स की बात करें लेटेस्ट अपडेट आने के बाद भी, तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। एक तो देखो, पहली चीज़ तो बग नहीं है, ये एक फीचर है जो होना चाहिए था। इसमें गूगल डायलर है तो आप नॉर्मली कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट नथिंग की तरफ से कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, नॉर्मल गूगल डायलर ही यूज़ करना पड़ेगा, सामने वालों को सब कुछ पता चल जाएगा। उसी के साथ होम बटन जो नीचे नेविगेशन बटन, अगर आप स्वाइप्स वाला जेस्चर वाला इस्तेमाल नहीं करते, खाली बटन्स का यूज करते हैं, ये एक बार हमने देखा था कि बीच में डिसअपीयर हो गया था, हम लोग उसको खोज रहे थे कि कहां चला गया ससुरा, फिर बाद में खुद आ गया, ये हमने बग नोटिस किया। टॉर्च का बग है, अगर आप देखोगे ये टॉर्च हमने यहाँ पर चालू कर दिया, उप्स ये तो हमने ग्लिफ इंटरफेस लगा दिया, टॉर्च लगा लिया, इसको हमने बंद कर दिया, ऐसे लॉक स्क्रीन में डाल दिया। उसके बाद इसको टॉर्च को बंद करने का कोई ऑप्शन ही नहीं, हमने पावर बटन को बहुत बार प्रेस किया, वॉल्यूम बटन ट्राई कर लिया 2-2 बार करने की, हमने उसको बहुत कुछ किया, डबल प्रेस करने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है तब बंद होएगा, लेकिन टॉर्च बंद नहीं होता है, अंदर ओपन करके बंद करना पड़ता है। वैसे मोनोक्रोम गायब हो गया अपडेट के साथ, अभी आप मोनोक्रोम थीम वगैरह नहीं लगा सकते, आई डोंट नो व्हाई, क्यों उन्होंने ये डिसाइड किया। अच्छा, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, हमने बहुत सारे HDR कंटेंट व्यू करने की कोशिश की बट वो HD पर ही अटक जाते हैं। और लो लाइट में अभी भी इंप्रूवमेंट्स नहीं है, फ्लैर्स वगैरह काफी दिखते हैं, उसके बारे में आगे कैमरे में बात करते हैं। तो ये फिलहाल के लिए हमने कुछ बग्स नोटिस किया है जो अपडेट के बाद भी, जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया। रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो हमने इसके लिए पूरा एक सेपरेट डे निकाला था, सिर्फ परफॉर्मेंस की हम टेस्टिंग कर रहे थे और यहाँ पर हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखे। अब पहली तो चीज़ ये है कि देखिए अपडेट के बाद वापस से नथिंग फोन 2 में हमें सीन देखने को मिला, वो ये था कि थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सेम चीज़ हमने नथिंग फोन 1 में भी देखा था, जैसे कि थ्रॉटलिंग जो पहले था अपडेट से पहले जो था वो 71% के आसपास था, वो भी ठीक नहीं था, अपडेट के बाद तो और कम हो गया 64%, रेड लाइंस ऑरेंज लाइंस आपको काफ़ी दिखाई देगी। और हीट अच्छा है, देखिए बिल्कुल भी हीटिंग यहाँ पर नहीं था, 41-42 डिग्री सेल्सियस मैक्स देखा हमने, तो बहुत ज़्यादा देखा इससे, ये तो हमें काफ़ी कम देखने को मिला। एंड्रॉइड स्कोर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हमने इसमें गेम खेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग टर्म तक हमने एक गेम को टेस्ट किया और वो बनता ही था, वो था जेंशन इंपैक्ट। वैसे भी इतनी बड़ी गेम, आई थिंक 20 GB तक समथिंग उसकी फाइल थी, और जब डाउनलोड हो रहा था तो हमने ऐसी रैंडमली सोचा कि हीट टेस्ट करते हैं, 42 डिग्री, उससे ज्यादा हीट नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत लंबी फाइल थी, लंबे समय तक यहां पर वो वाईफाई पर डाउनलोड हो रहा था, टेबल पर ऐसे ही उल्टा पड़ा हुआ था। उसके बाद भी जब हमने टेस्ट किया तो ये इतना ज्यादा हीट नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ हमने आधा घंटा कंटिन्यूसली जेंशन इंपैक्ट खेला तो रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। ये जो फोन था उस मामले में ज्यादा हीट नहीं हुआ, हमने मैक्स 39 डिग्री सेल्सियस देखा अलग अलग टाइम पर, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा, और उसमें भी दोस्तों हमने जो फ्रेम रेट्स देखे अगर आप गौर करोगे तो 60 FPS स्टेबल था, मतलब लॉन्ग टर्म तक भी ये फ्रेम रेट्स गिरा नहीं रहा था, ऑल थैंक्स टू स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, ये भी एक चीज क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर उस मामले में जो परफॉर्मेंस हमने इसमें देखा है लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा है, मतलब आधे घंटे का ये रिजल्ट, और डेफिनेटली 1-2 घंटे में आपको ज्यादा फ्रेम रेट्स में ड्रॉपिंग देखने को नहीं मिलेगी और ये फोन ज्यादा हीट भी नहीं होता, तो एक चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ एंड्रॉइड बेंच भी हमने टेस्ट किया अपडेट के बाद, जैसे कि इसमें LPDDR5 UFS 3.1 है। बात यह कि अपडेट से पहले के अगर आप स्कोर्स देखते तो काफी अच्छे थे,
अपडेट के बाद इसमें राइट स्पीड देखते हैं तो 500 Mbps, ये हमने 15,000 वाले फोन में भी नहीं देखा। ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, बट ये चीज़ हो गई। हाँ, ये लोग वापस अपडेट से फिक्स्ड कर सकते, जो उन्होंने फोन वन के साथ भी किया था उसमें भी धीरे धीरे अब वो काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ये भी वैसे ही हो जाएगा अपडेट के साथ, ऊपर नीचे सारे फोन्स के साथ होता है, इसमें भी वैसे हुआ है। बट डेफिनेटली उसके अलावा भी फोन बहुत स्मूथ है, बहुत फास्ट है, कोई लैग स्टटर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। और परफॉर्मेंस को लेकर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बताए थे, 120Hz की इसमें हाई रिफ्रेश रेट, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको पर्टिकुलर ऐप्स में टेस्ट करें कि वाकई में ये 120Hz पर रहता है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने प्ले स्टोर ओपन करके स्वाइप्स किया, 120 पर था। हमने क्रोम ओपन करके स्वाइप्स किया, 120 पर था। हमने व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम देखा, हमने यूट्यूब तक चेक किया। बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं जो यूट्यूब पर 60 पर चले जाते हैं, बट ये 120 पर ही था। जितना भी हमने स्वाइप्स किया, नॉर्मल इंटरफेस भी अगर आप ऐप ड्रॉअर वगैरह स्वाइप्स करते हैं, वो 120 पर ही स्टेबल था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमने जब COD लगाया, कॉल ऑफ ड्यूटी लगाया, तो वहां पर 90 FPS पर सीधा चला जाता, क्योंकि डेफिनेटली आपको मैक्स 90 FPS सपोर्ट मिलता है। BGMI 60 पर था, वो 90 पर नहीं गया था। बीच में ये भी सुनने में आया, लोग बोल रहे कि 90 FPS हटा दिया गया, पता नहीं वैसे तो वहां पर 60 था और COD में 90 FPS दिखाई दिया था। नई बात दोस्तों डिस्प्ले की, तो आपको उसमें डिस्प्ले जो है वो अच्छी, अभी तक हमने जितना भी इस्तेमाल किया एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो आपको उसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दिया है डिस्प्ले पर, आपको स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए चिन डेफिनेटली बहुत कम है, बट हमने OnePlus Nord 3 से कंपेयर किया तो वो इससे भी कम था, जबकि वो फोन थोड़ा और भी सस्ता है। एक चीज उनको ये चीज सीख लेनी चाहिए, अगर उनका नेक्स्ट जनरेशन आता है तो चिन्ह और भी कम कर सकते हैं, बट ये भी काफी कम है, इतना मैं कहूंगा। साथ ही साथ आपको उसमें ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, 120Hz की OLED डिस्प्ले, फुल HD प्लस वाली, आउटडोर विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर भी हमने ट्राई किया, तो यूट्यूब पर HDR चलता है, नेटफ्लिक्स में नहीं चलेगा, बट यूट्यूब पर चल जाता है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, शार्पनेस, स्मूथनेस, डिस्प्ले क्वालिटी, यहाँ पर जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो अच्छा है। रही बात बैटरी की, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है। दोपहर के 12 बजे हमने इसको 86% के आसपास चार्ज रखा था, हमने ऑलमोस्ट फुल ब्राइटनेस रखी थी, 120Hz OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया, 5G सिम लगाकर, दोनों सिम 5G वाले 5G नेटवर्क पर लगाकर हमने छोड़ा था। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि नेटवर्क कितना यहाँ पर ये बैटरी कंज्यूम करता है, डेटा कंज्यूम करता है। और उसके बाद हमने जब शाम में चेक किया, उसको बहुत यूज़ किया था, हमने गेम खेला वगैरह, इसमें यूट्यूब वगैरह बहुत देखा, एंड 7:45 बजे के आसपास रात में 30% हो गया। और लेकिन अचानक 11 बजे जब हमने और यूज़ किया तो ये सीधे 2% पर आ गया। ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ। हमने बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए जिनमें 4,700 या 4,500 mAh की बैटरी, इसमें 4,700 है, वो इतना जल्दी इतना ड्रेन नहीं होता है, मतलब 15-20% बच जाता है। हाउएवर हो सकता है हमने जब इसको 100% किया रहेगा तो ये शायद आ जाएगा 20% तक, 86% का ये टेस्ट है। स्टिल मुझे लगता है कि बैटरी कुड हैव बीन बेटर, और थोड़ी अच्छी हो सकती है, इतना भी नहीं, बट और थोड़ा अच्छा उनको यहाँ पर करना चाहिए। फिर भी हमने यूज़ काफ़ी अच्छा किया है, नेटवर्क वगैरह का सब कुछ डालकर यहाँ पर किया था। और साथ ही साथ चार्जिंग की बात करें तो 45W चार्जर बॉक्स में था ही नहीं, उसमें एंड में बात करेंगे, लेकिन लगभग 55 मिनट्स ब्रांड ने क्लेम किया 0 to 100%, हमने टेस्ट किया तो 59 मिनट्स, एक घंटा यहाँ पर पूरा लग जाता है। नेटवर्क कॉल क्वालिटी की बात कर ले भाई, तो इसमें हमने 5G सिम लगाकर यूज़ किया, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, मतलब बढ़िया है, मेरे को बिल्कुल भी वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। साकिब अभी इसका प्राइमरी फोन बनाकर यूज़ कर रहा है, उसने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया, बोला कॉल क्वालिटी अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें वाइड बैंड 11 जैसे कि मैंने बताया, कैमरा 2 API मिलता है, इसमें NFC भी दिया गया, एक चीज़ अच्छी है, सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर उन मामले में अच्छा था। कैमरे की बात करते हैं, 50MP सोनी IMX890 4K 60 FPS मैक्स शूट कर सकते हैं, आपको एक और 50 का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, वैसे 32MP आपको सेल्फी मिलती है, और इसमें भी सोनी का सेंसर है, और यहाँ पर फुल HD 60 FPS, एक सैमसंग ही देवमानु से जो हमें 4K 60 FPS देता है सेल्फी में भी, और कुछ रेयर होगा, बट ये उन्होंने ऐसा नहीं किया। एनीवेज कैमरा इंटरफेस भी देखेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा, मैं बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी किया था, बहुत मिनिमलिस्टिक है, क्लीन है, बढ़िया है। और हमने अपडेट के बाद, पहले अपडेट के पहले वाले फोटोज़ की बात करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी फोटोज इतने खास नहीं लगे थे, तो इसलिए मैं अनबॉक्सिंग में दिखा नहीं पाया क्योंकि गाइडलाइंस था। लेकिन हमने जितने भी फोटोज लिया था, आप देखेंगे एज डिटेक्शन में मेरे आंखों के पास जूम करके इश्यूज थे, पोर्ट्रेट शॉट्स में अगर आप बैकग्राउंड देखते हैं ओवर सैचुरेटेड है, बढ़िया इश्यूज थे। लेकिन अपडेट के बाद हमने फिर से कोशिश किया सेम प्लेस पर जाकर वैसे ही फोटो लेने का, तो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स आप देख सकते हैं। अब दोनों टाइम पर बारिश का सीजन था तो आप क्लियर जज कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अपडेट के बाद हुआ है उन मामलों में। बाकी नॉर्मल फोटोज भी देखेंगे तो अच्छे हैं, ये फोटोज की क्वालिटी, क्लैरिटी, शार्पनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है। इनफैक्ट सेल्फी भी देखते हैं तो सेल्फी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, काफी फ्यू फोन्स हैं जिनकी मैं तारीफ कर लेता हूँ सेल्फी में, ये उनमें से एक है, मैं जरूर कहूंगा अच्छी फोटोज लेता है। कहीं कहीं डायनामिक रेंज ऊपर नीचे होता है क्योंकि रेनी सीजन है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सेल्फीज अच्छी निकल कर आई है। वीडियो देखते हैं, रियर और सेल्फी दोनों साथ में दिखा रहा हूं, दोनों अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है, और साथ ही साथ आपको यहां पर सेल्फी क्वालिटी स्टेबलाइजेशन ये भी बढ़िया है अगर मैं डे की बात करता हूं। इतना ही नहीं, नाइट की बात करें तो नाइट में रियर में फोटोज अच्छे होते हैं,
अगर कुछ कुछ जगह पर आप गौर करते हो तो फ्लेयर्स बहुत दिखता है, बट कुछ कुछ जगहों पर ये कंट्रोल करता है, तो ये भी एक उनको चीज फिक्स्ड करनी चाहिए। और सेल्फी देखते हैं, सेल्फी भी अच्छा, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छा है, बट अगर आप लो लाइट में जाएंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, जो उनको कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड करना चाहिए। और रियर वीडियो नाइट में देखते हैं, गुड नॉट बैड, स्टेबलाइजेशन इनफैक्ट अच्छी है, बहुत सारे फोन स्ट्रगल करते हैं नाइट में अच्छे वीडियो के साथ, स्टेबलाइजेशन ये उनमें से एक है, इसने थोड़ा अच्छा लिया है। सेल्फी कुड हैव बीन बेटर, सेल्फी वीडियो नाइट में देखेंगे तो थोड़ा अच्छा है। तो कैमरे को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि काम किया गया है, इंप्रूवमेंट्स हो रही है, एक चीज अच्छा है कि वो कर रहे हैं बार बार इंप्रूवमेंट, और भी होनी चाहिए, थोड़े फोटोज और भी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ये पैसा इसके ज्यादा है फोन के, तो मुझे लगता है कि फोटोज और भी अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों डिजाइन की भी बात करते हैं। जी हाँ, ये इनका डिजाइन एस्पेक्ट है, बहुत सारे लोगों को गिमिक लगता है, बट ठीक है ना यार, अभी कुछ अलग ही दे रहा है, तो पहले भी नथिंग फोन में वैसे ही था, नथिंग फोन टू में भी कुछ वैसे ही है, बस इस बार उन्होंने थोड़ा सा कर्व्ड कर दिया है, पीछे से एक न्यू डार्क ग्रे कलर लेके आ गया है, और ये ग्लिफ लाइट्स को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, और ये भी गोरिल्ला ग्लास 5 के आपको प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, थोड़ा बहुत अगर आप गौर से देखोगे ना तो उंगली को निशान पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें ग्लिफ इंटरफेस तो अभी आपको तो पता ही है, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं, तो उसके बारे में तो हमने आपको बताया, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी नथिंग फोन 1 में था, तो कुछ ऐसा नहीं है मैं बोलूँ अरे क्या बात है। हाँ, फ्रेम्स आपको मेटल मिलते हैं, अच्छी चीज़ है, 3 माइक्स दिया गया नॉइस कैंसिलेशन के लिए, वेरी नाइस। आपको सिम ट्रे सिर्फ 2 सिम आप लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर डुअल स्पीकर्स मिलता है, तो हाँ, तो क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो की ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं था। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, हमारे जो साकिब भाई है उन्होंने ये बताया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना बढ़िया है, इतना फास्ट है, अभी तक उसको एक बार भी कोई बग नहीं मिला, जब भी खोलता है खुल जाता है, तो ये चीज़ उन्होंने बोला है जो मैं आपसे शेयर करें। बट IP रेटिंग्स का साकिब, IP54, अच्छा IP54 यहाँ पर है, मैं भूल गया था। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये कि हैप्टिक्स थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, मतलब इतना प्रीमियम फोन है यार, बढ़िया हैप्टिक्स दो। आजकल तो Redmi के फोन्स में हमें वो ऐसा वॉल्यूम बटन वाले हैप्टिक्स भी मिल जाते हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, OnePlus के फोन्स में भी रहता है, बट हैप्टिक्स मुझे लगता है कि उनको थोड़े और इम्प्रूव करने चाहिए, बाकी तो ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो जो चीज़ थी हमने आपको सारी क्लियर कर दिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर। एक तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, 45,000 से ये स्टार्ट होता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, आई थिंक कुछ 2-3 हज़ार रुपये ऑफ दे रहे हैं, कुछ कार्ड वगैरह लगा लिए तो 42,000 तक आपको ये मिल सकता है, फिर भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ऐसा था, दो चीज़ आपको बताता हूँ, इधर अगर आप इस फोन को 42,000 पर लॉन्च करते 8128 ऑफर पर 40,000 आता, ठीक है, OnePlus 11R के करीब आ जाता, या तो फिर अगर आपने 45,000 पर लॉन्च किया तो उसका आपको 8GB रैम और 256GB वेरिएंट देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, बेस वेरिएंट को 8128 को लाने की जरूरत ही नहीं थी, ये मेरा मानना है। 8256 इनका जो है वो 50,000 तक चला जाता है, फिर उनका जो 512GB तो 55 तक चला जाता है, तो 50,000 के पार चला जाता है, तो उनको नीचे लाना चाहिए था। देखिए, फीचर्स डेफिनेटली ऐसे है कि दूसरे फोन्स में ज़्यादातर नहीं मिलते, वायरलेस चार्जिंग वगैरह आपको जो मिल रहा है, और उसी के अलावा ये जो वगैरह जो भी है ग्लिफ इंटरफेस, और साथ में प्रीमियम डिज़ाइन है, आपको सॉफ्टवेयर क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, चलो ठीक है, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं भाई इतना तो नहीं, फिर हम तो वही ले लेंगे, हम तो यही ले लेंगे, और मैं उनकी इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर बात ये भी है कि इसमें आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, आपको कवर लेना हो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ना जाने क्या क्या चीज़ें होगी नहीं जो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, तो बेस वेरिएंट की प्राइस तो और भी ऊपर चले जाएंगी। तो ये जो सैमसंग वाले कर रहे हैं आजकल, एंड्रॉइड की बात करूँ तो नथिंग वाले भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट कहीं ना कहीं बंडल्ड होना चाहिए, आप प्री बुकिंग वालों को मिलता है कुछ ऑफर्स, नॉर्मल यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो एटलीस्ट 45,000 की प्राइस हम जस्टिफाई कर सके। मेरा मानना है कि प्राइसेस थोड़ी और कम हो सकती है, एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ताकि नथिंग फोन 3 आए, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइसेस उन लोग ध्यान रखें उसको कम करें। बाकी ओवरऑल दोस्तों, हम आपको अगर चाहिए तो कुछ कंपैरिजन OnePlus 11R के साथ करना है तो जरूर से कमेंट में बताना, और आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए, ऐसे ही डिटेल रिव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।